दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा सात का दुर्वा का पहला पाठ जो है चिड़िया और चुरुंगुन तो चिड़िया और चुरुंगुन वाला पाठ हम शुरू करते हैं आज तो पहले ये कविता है ओके छोड़ घोसला बाहर आया देखी डाले देखे पात और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात माँ क्या मुझको उड़ना आया नहीं चुरुंगुन तू भरमाया तो ठीक है चुरुंगुन और चिड़िया यानी कि चुरुंगुन एक चिड़िया का बच्चा है जो अपनी मम्मी से पूछ रहा है अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ क्या मुझको उड़ना आ गया तो उसकी मम्मी कहती हैं नहीं चुरुंगुन तू भरमा गया है तो अभी हम कुछ वर्ड्स हैं जो जिनको हम अंडरलाइन करेंगे और वीडियो के लास्ट में इनकी मीनिंग्स देखेंगे डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां, देखे फूल क्या वो डाली से वो इस डाली से इस डाली तक पहुंचा और उसने क्या देखे देखी कलियां और देखे फूल ठीक है नेक्स्ट इज़ ऊपर उठकर फ़ुंगी, फ़ुंगी जानी ओके एक और हमें वर्ड मिला है यहाँ पे, फ़ुंगी, ओके जिन जिन को फुनगी का मीन्स पता है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं नीचे झुक कर जाना मूल माँ क्या मुझको उड़ना आया नहीं चिरंगन भर तो भरमाया तो चुंगन हर बार अपनी माँ से पूछता है कि माँ मुझे उड़ना आ गया आ गया आ गया जैसे हम पूछते हैं ना अगर हम साइकिलिंग सीख रहे होते हैं तो मम्मा क्या मुझे साइकिलिंग आ गई आ गई आ गई तो मम्मा कहती है ना कि नहीं अभी नहीं आई अभी आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है ऐसे ही कच्चे पक्के फल पहचाने खाए और गिराए काट तो यहाँ पर क्या हुआ उसे कच्चे पक्के फल में कोई ही नजर आया तो उसने क्या कर दिया उसने उनको खाकर गिरा कर काट दिया ओके खाए गिराए काट मीन्स खाकर गिरा कर काट दिया खाने गाने के सभी साथी देख रहे हैं मेरी बाट ओके एक और है यहाँ पे बाट सुना होगा आपने वैसे माँ क्या मुझको उड़ना आया नहीं चुरुंगन तू भरमाया उस तरु से इस तरु पर आता तरु आप सभी को पता है यस yes. तरु मींस होता है के। right पेड़ ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट राइट हियर पेड़ यस सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट जाता हूँ धरती की ओर दाना कोई नहीं पड़ा हो कोई कहीं पड़ा हो चुन लेता हूँ ठोक कठोर तो दाना कहीं भी पड़ा होता है वो चुन लेता है ओके ठोक कठोर मींस कैसा भी कठोर हो कैसा भी माँ क्या मुझको ओढ़ना आया नहीं चिरुँगुन तू भरमाया मैं नहीं ले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिव अनिवार्य पुकार ओके okay? अनिवार्य कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा पर मार कोई कहता है अंदर से कि उड़ जा तो उड़ता जा तो चुरुग पूछते हैं माँ क्या मुझको उड़ना आया ठीक है तो फिर आज माँ क्या कहती है आज सफल है तेरे देने सफल मीन्स यस सफल मीन्स आप सही समझिए हाँ सफल से है सुफल का मीन्स ओके okay? आज सुफल है तेरी काया क्या आज तूने तो जो भी किया है वो तेरा सफल है तो आइए जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा है वहाँ के इसके हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं यानी कि शब्दार्थ देखते हैं पात मीन्स पत्ता भरमाया भ्रम में पड़ गया तरु वृक्ष पेड़ अज्ञात अनजान आप सिर्फ अनजान लिख सकते हैं फुनगी वृक्ष या शाखा का सिरा बाट राह रास्ता अनिवार्य लगातार ओके okay? तो यहाँ पे पूछा है नमूने के अनुसार लिखिए तो ये नमूना है छोड़ घोसला आया देखी डाली देखी बात तो चुरुंगुन घोसला छोड़कर बाहर है उसने डाले और पत्ते देखे तो यहाँ पे इसे देखा है डाली से डाली पर पहुंचा देखी कलियाँ देखी वो तो चुरुंगुन डाली से डाली पर पहुंचा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ आपको यहाँ पे क्या करना है मैं इसका सोल्यूशन आपको बता देती हूँ यहाँ पे ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ जैसे ठीक है चुरुंगुन तो hmm. so, चुरुंगुन आपको लिख लेना है गो फिर आपको लिखना है डाली से डाली पर पहुंचा उसके बाद आपको क्या करना है पूर्ण विराम लगाना है चुरुंगुन के बाद आपको ये लिखना है पूरा फिर आपको क्या करना है पूर्ण विराम लगाना है फिर आपको लिखना है उससे देखी के आगे आपको क्या लिखना है आपको देखी के आगे लिखना है उसने ओके किसने देखी उसने उसने देखी कलियाँ देखे फूल तो ऐसे सारे कर लेंगे हम ठीक है सेकंड है कविता से कविता के अंदर से जितनी भी चीज़ें हैं तो क है चुरुंगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है देखिए चुरुंगुन अपनी माँ से अपने उड़ने के बारे में बार बार क्यों पूछता है ख है चुरुंगुन को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं ग चुरुंगुन अभी अभी अपने घोसले से निकला है फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है तुम किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो यहाँ पे आपकी चॉइस पूछी है सो यू विल डू इट बाय योर सेल्फ ओके इट्स योर वर्क क और सो so, इस चैप्टर के लिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सारे सोल्यूशंस को एक्सप्लेन करूँगी सारे सोल्यूशंस बताऊँगी तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो